Hello dear student, welcome to our channel SBTT Electrical Hub. So dear student, आज की जो topic है वो बात करने वाले हैं current division rule और voltage division rule. ये simple सा concept है current division rule. So okay, current division rule में हम लोग क्या समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा. Current division, जैसे हम लोग के पास कोई सर्किट रहेगा तो हम लोग को अलग अलग ब्रांच में यदि हम लोग को करंट का फाइंड आउट करना रहेगा तो कैसे निकालेंगे. सो करंट डिवीजन रूल का यदि बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सीरीज पैरेलल, ये सब का बेसिक कॉन्सेप्ट डायरेक्शन आप लोगों को पता होगा. सो सपोज मैं कोई सर्किट ले रहा हूँ, सपोज ये कोई सर्किट है जिसमें मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूँ. ओके देख सकते हैं. सो मान लेता हूँ कि ये रेजिस्टेंस आर वन है और ये रेजिस्टेंस आर टू है. ठीक है, अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हैं तो वोल्टेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल जो बात करते हैं वो क्या होता है, सेम होता है. लेकिन पैरेलल का यदि बात करते हैं तो करंट क्या होता है वो डिफरेंट होती है. करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है. सो मान लेता हूँ ये आई वन है और ये आई टू है तो टोटल करंट जो आई होगी वो क्या हो जाएगा, आई वन प्लस I2 हो जाएगी. अब हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या I1 के बारे में और I2 के बारे में. देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को तुरंत क्लियर हो जाएगी, अभी दो मिनट लगेगा. ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यदि हम लोग टोटल रेजिस्टेंस का बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो पैरेलल है और पैरेलल में आप लोगों को पता ही है कि वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, इसमें कोई डाउट नहीं है. सब छोटी छोटी चीज़ है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. सो आर वन प्लस आर टू, सो यहाँ पर आर जो निकल जाएगी वो R1, R2 और ये R1 प्लस R2. तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों के पास सर्किट में ये देख रहे हैं ये है. ठीक है, अब हम लोग देखिए समझ रहे हैं, जैसे हम लोग को I1 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, I1. सो I1 इज इक्वल टू, आई यू नो दैट ओम स्लो डियर स्टूडेंट, V इज इक्वल टू आई आर, ओम स्लो V इज इक्वल टू आई आर. सो I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू वी आर. और वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज बराबर होती है. सो वी बाय, अब इसके अक्रॉस पे हम लोग को निकालना है, इसका करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी बाय आर वन. बोलिए क्लियर है यहाँ तक, वी बाय आर वन, समझते जाइए बात को. ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग आई टू का बात करते हैं स्टूडेंट, आई टू का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी बाय बोलिए आर टू हो जाएगी, वी बाय आर टू हो जाएगी. और हम लोग को यदि वी फाइंड आउट करना है तो वी क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, मैं लिखा हुआ यहाँ पर वी इक्वल टू आई आर. तो देखिए यदि हम लोग बात करेंगे वोल्टेज का, है ना, तो करंट आई पता है और रेजिस्टेंस हम लोग को पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, वी इजिकल टू आई और आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, आर वन आर टू और ये आर वन प्लस आर टू. क्लियर है यहाँ तक, अब यहाँ पर आइए आई वन यदि हम लोग को निकालना है तो देखिए वी क्या है हम लोगों के पास, ध्यान से देखिए वी इजिकल टू, है ना, देखिए वी इजिकल टू आई R1 R2 R1 प्लस R2. यदि हम लोग भी के जगह में इसको पुट कर देंगे तो देखना R1 R1 कट जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा I, ध्यान से देखिएगा I R2 और ये R1 प्लस R2. तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल रहा है, यदि हम लोगों को करंट निकालना है, यदि करंट निकालना है तो टोटल करंट, देखिए ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, टोटल करंट और जो वो जिस पे निकालना है उसका रेजिस्टेंस नहीं, जहां पर करंट डिवाइड हो गया है वो रेजिस्टेंस को लेना होगा, जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है उसका करंट उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है और जो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसके हम लोग को ऐड कर देना है. तो हम लोग इस तरह से I1 यहां से निकाल सकते हैं. सिमिलरली यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, I, I2 पे निकालना है तो R2, R2 कट जाएगी, सो ये हो जाएगा R1 और ये देख सकते हैं R1 प्लस R2. तो इस तरह से हम लोग करंट डिवीजन का रूल का यूज करके सिंपली आराम से हम लोग कोई भी पैरेलल सर्किट्स जो भी रहेगा हम लोग उस करंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. बेसिक था टोटल, यहाँ पर समझ रहे हो या आई सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया और ये देखना याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसको आप लोग, कि यदि हम लोगों को यहाँ का करंट निकालना है तो टोटल करंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जो बगल में रेजिस्टेंस है जिसका करंट डिवाइड हुआ है और टोटल रेजिस्टेंस, है ना, आई आर टू और फिर जब आई टू निकालना आई आर वन, आर वन प्लस आर टू. तो ये हम लोगों का करंट डिवीजन रूल हो गया. हम लोग आते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल पे, किस पे, वोल्टेज डिवीजन रूल. सो समझिएगा वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन यदि हम लोग बात करेंगे
सो वोल्टेज डिवीजन तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में नहीं होगी, वो सीरीज पे होगी। तो मान लेता हूँ कि हम लोगों के पास कोई एक सीरीज सर्किट ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग देखा कि ये कोई हम लोग रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और ये तुम्हारा R2 है। अब ये हम लोगों ने कोई सीरीज रेजिस्टेंस एक हम लोगों ने ले लिया। अब ये टोटल जो वोल्टेज है यहाँ पर भी है, देख सकते हैं भी है, और ये रेजिस्टेंस है R1 और ये जो रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। अब ये सीरीज सर्किट है, सो यू नो दैट एक्चुअली सीरीज मीन्स सेम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, सेम करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, लेकिन जो पोटेंशियल होगी वो अलग अलग होगी। वो पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी, सभी रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। तो ये हम लोग वोल्टेज डिवाइजर रूल करके हम लोग V1 V2 इसका वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर V इजिकल टू क्या बोल सकते हैं, V1 प्लस V2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, V1 और V2 का वैल्यू निकालना है। और रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो यहाँ पर सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो देखने में आ रहा है R1 प्लस R2 है। तो बताइए अब इसको हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिंपल सर्किट है, V1 प्लस V2 हम लोगों के पास है, रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 है, देख सकते हैं, कोई डाउट होने का कोई बात नहीं है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं इतना बेसिक क्यों जा रहा हूँ कि तरह तरह के स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑनलाइन में, जो कोई हो तक स्टार्टिंग पीरियड में है, तो इसीलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। V1 इजिकल टू यहाँ से करंट कितना जा रही है, देखिए सेम करंट है, सो आई हो जाएगी, और ड्रॉप यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, तो IR1 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। सो V2 इजिकल टू यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, आई और R2 बात हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो आई यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग टोटल आई को निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। ये आई को यदि निकालना है तो हम जानते हैं ओम्स लॉ, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा, अभी मैं नीचे में बता रहा हूँ, V इजिकल टू IR, जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में आई निकालना है, तो V/R। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग बात करते हैं कि टोटल वोल्टेज है, ठीक है, आर हम लोग का कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, V/R1 प्लस R2। तो देखिए हम लोगों के पास जो आई का जो वैल्यू आया है V/R1 प्लस R2। अब आइए यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए V1 इजिकल टू यदि हम लोग को निकालना रहेगा तो आई का वैल्यू क्या है, V हो गया और रेजिस्टेंस कितना है, R1 हो गया, और ये देखिए R1 प्लस R2, ओके। सिमिलरली V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, V ये R2 और ये R1 प्लस R2। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें क्या था कि जिसका निकाल रहे थे उसका रेजिस्टेंस नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस हम लोगों को है, देखिए ध्यान से, और उसके बाद हम लोग टोटल वोल्टेज लेंगे, जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज और जिसपे निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस, बस याद रखिए कि वोल्टेज डिवाइडर रूल में, वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लोग क्या करते हैं, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं, जिस रेजिस्टेंस का निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, करंट में नहीं वैसा करते हैं। करंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए करंट में हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को इसको देखिए, करंट में हम लोग क्या कर रहे थे, जिसका टोटल करंट के साथ में जो करंट डिवाइड कर रहा था जिस रेजिस्टेंस पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन वोल्टेज में देखिए हम लोग उसी पे कर रहे हैं जिसपे निकालना है। तो बस थोड़ा सा ट्रिक करके याद रखिए, ताकि हम लोग जब आगे जब कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे तो तुरंत आप लोग जो है कि इसको अप्लाई कीजिएगा, ये कोई जरूरत नहीं इतना आपको करने का, डायरेक्ट आप इसको याद रखिएगा कि जब भी ऐसा दे दें, अच्छा यहाँ पर V1 निकालना तो टोटल वोल्टेज लीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हम लोगों ने देखा इस क्लास में करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो बता दिया आप लोगों को। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, जो है कि इस क्लास को आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, और एक जो मैं बार बार कहता हूँ ये क्रिएट कीजिए माहौल इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन डेवलप हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, और मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोगों को मिलेगी। So okay dear student, bye, all of you take care.